गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल ऑफ रोड व्लॉग्स अजय वंस अगेन। और अभी हम पहुंच गए हैं पंचर वाले के पास जिसने टायर चेंज किया था। तो भाई टायर करवा लिया अभी सेट गाड़ी का, अभी जा रहे हैं इसको फिट करवाने। तो बाकी सब आपने देख ही लिया है, बड़ी परेशानी हुई। अगर गाड़ी में पंचर हो जाए तो साला उसमें जैक नहीं है, टूल किट नहीं है, BMW 530 होते हुए भी बताओ ऐसा भी होता है क्या? स्टेपनी नहीं है, क्या कहना है आपका? सामान तो होना चाहिए गाड़ी के अंदर, सामान तो होना चाहिए ना यार, एटलीस्ट स्टेपनी तो होनी चाहिए कि भाई चलो, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कितनी महंगी से महंगी गाड़ी हो साली। ये तो ठीक है, हम अपने ठिकाने पे थे, ये तो ये था कि हम आस पास थे, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, जंगल में कहीं होते तो ज्यादा परेशानी, तो जंगल में मंगल हो जाना था यार। तो गाइस बने रहो यार, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले अपनी गाड़ी में टूल किट जरूर रखो। हाँ, टूल किट पिंचर किट जरूर होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, और मिस्त्री ना भी मिले तो खुद से लगा लेना चाहिए। हाँ, और बाई चांस अगर कभी भी टायर प्रेशर लो दिख रहा है तो टाइम टू टाइम मतलब गाड़ी का एयर प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, मतलब वीक में आई थिंक एक बार तो एटलीस्ट कराना चाहिए। अगर आप पंप पे जाते हो, गाड़ी आपकी रनिंग में रहती है या खड़ी भी रहती है, खड़ी खड़ी गाड़ी का तो वैसे भी प्रेशर लीक हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, और मन ना करे तो भी कर लेना यार, तो आप ही लोगों का सहारा है हमें तो। ठीक है, तो बने रहिए यार। BMW का टायर फट गया था, गाड़ी के अंदर रखी थे टायर, पहले ये वाला टायर डलवाया, टायर ऐसा हो गया था। भाई आज बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हमें, तो पूरी रात हमारी खड़े रहे। भाई अभी मैं हूँ सोनीपत, और दो तीन दिन से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था अपनी गाड़ी में, अलाइनमेंट आउट हो रखी, तो दिल्ली जाने का चक्कर लग नहीं रहा था। तो मैंने सोनीपत, यहाँ पे सुकमा व्हील्स के नाम से एक शॉप है, मैं वैसे भी यहाँ पे काम कराता रहता हूँ, जो मेरे पास दूसरी गाड़ी i20 जैसे और मेरी जिप्सी, उनके टायर वगैरह अलाइनमेंट वगैरह। तो आज मैंने BMW की जो है यहाँ पे अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराई है। तो आपको ये लगता होगा कि भाई BMW है, मर्सिडीज़ है, सिर्फ हम कंपनी में ही काम करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो मैं आपको मिलवाता हूँ भाई अपना, तो भाई एक बार अपने बारे में बताओ। मेरा नाम है अरमान। तो ये अरमान है भाई, पानीपत का रहने वाला, पानीपत का रहने वाला है भाई अपना, और ये यहीं पे रहता है मतलब सोनीपत ही, और यहाँ सुकमा व्हील्स पे है भाई। और तो भाई बताओ हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या दिक्कत, मतलब लोग सोचते हैं कि BMW है मेरे पास तो मुझे सिर्फ कंपनी में ही अलाइनमेंट करानी है। कंपनी वाले ये बोलते ही है, कंपनी अच्छा। वाले बोलते हैं कि अलाइनमेंट सिर्फ लग्जरी गाड़ी की, हाँ। तो एजेंसी में हो सकती है। अच्छा। वैसे भी बाहर कई दुकानों में पता भी करते। तो अभी आपने BMW में क्या क्या किया है? BMW 5 सीरीज है 530, तो इसमें क्या क्या किया है अभी? अलाइनमेंट बैलेंस जो काम होता है। अच्छा। वो काम किया, कंपनी वाले बोलते हैं एजेंसी वाले की सिर्फ एजेंसी में हो सकती है। अच्छा। कोई बोल रहा हूँ, हाँ, मैं भी बोलते हैं, बाहर के लोग एक बार बोलते हैं कि हम अच्छा नहीं, हम नहीं कर सकते। अच्छा। कई बार आप दो तीन दुकानों को तो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या, मतलब क्या फायदे और क्या नुकसान है? फायदा ये है आपके टायरों की लाइफ बढ़ती है। अच्छा, टायरों की लाइफ बढ़ती है।
गाड़ी के चलने में क्या फर्क, गाड़ी के चलने में या गाड़ी के टायर जल्दी खत्म हो जाने में क्या मतलब क्या नुकसान होता है? अलाइनमेंट में सबसे ज्यादा जो अलाइनमेंट हल्की सी भी आउट होती है ना इन गाड़ियों को, तो टायर की किनारी खाती है। मतलब कोई भी गाड़ी हो अलाइनमेंट अगर आउट होगी तो उसकी बात है, टायरों की लाइफ बढ़ जाती है। जो 40,000 चलने वाले होते हैं वहाँ 60,000 किलोमीटर चलता है। तो अभी आपने मेरे क्या क्या चार्जेस लगाए हैं इसके, जो अलाइनमेंट और जो अलाइनमेंट अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के क्या चार्जेस लगाए? लगभग 550 रुपए हो गया अलाइनमेंट बैलेंसिंग के। आप टोटल हो गए एजेंसी में कितने लेते हैं? तो एजेंसी में गाइस इसी चीज़ के कम से कम 1500 से 2000 रुपए आपके चार्जेस ले लेंगे। और यहाँ पे मुझे कोई जीएसटी पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, जीएसटी का इंक्लूडेड होता है इसी के अंदर वैसे। लेकिन ये देखो मैं जीएसटी भी पे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पे कर रहा हूँ, और मैं अपनी गाड़ी का काम भी मैंने जेन्युइन कराया है। ऐसा नहीं है कि आप वर्कशॉप भी देख सकते हैं आगे यहाँ पे सोनीपत में, परशुराम चौक है, सोनीपत फ्लाईओवर से उतरते ही सुकमा व्हील्स के नाम से शॉप है। यहाँ पे आके आप कोई भी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करा सकते हैं, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, मारुति से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी तक की आप यहाँ पे आके व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करा सकते हैं। टायर से रिलेटेड कोई भी काम हो, टायर जो भी टायर आपको चाहिए वो टायर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोरमान भाई कुछ कहना चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो ताकि पता लगे लोगों को। और भाई एक बार यहाँ पे जरूर आना, एक बार यहाँ पे आगे काम करवा के जरूर देखो, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सच में काम अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। बाकी मैं तो यहीं कराता हूँ ऑलमोस्ट काम, तो दिल्ली रहता हूँ, अगर दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में काम करा लेता हूँ, और यहाँ होता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टायर से रिलेटेड जो भी काम होता है, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, तो मैं यहीं आता हूँ। बाकी एड्रेस एंड लोकेशन मैं यहाँ पे अपना डाल दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।